अभी हम लोग यहाँ पे ग्रैंड विटारा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे, यहाँ पे ऑफ रोडिंग में कैसा है। एंड अभी यहाँ से जब नीचे भी उतरती है ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होते हैं। टेल लाइट्स आर लुकिंग वेरी नाइस। व्हील स्पिन देखेंगे अभी। एंड इट कम्स विद अ पैनोरामिक सनरूफ बेसिकली। क्या हो रहा है भाई साहब, ओ माय गॉड। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं IBW गोवा में। एंड दिस इज़ आवर बैंड जो कि एंट्री के लिए है। दिस इज़ ग्रैंड विटारा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे टेस्ट करेंगे व्हीकल्स को। लुक एट दिस ह्यूज कार, काफ़ी अच्छा है, देखेंगे एक्सपीरियंस। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रैंड विटारा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे, यहाँ पे ऑफ रोडिंग में कैसा है। लेट्स गो। चलो आप मुझे सिखा दीजिए, फिर मैं चलाऊंगा। गाड़ी की कैपेबिलिटी भी है। जी हाँ, तो पहले सबसे पहले सीट बेल्ट पीछे पे। सर कैन आई जॉइन? यस प्लीज। यस यस, सीट बेल्ट क्या करेंगे? ये टायर्स को ऑटोमेटिकली पावर दे देंगे। राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे स्नो मोड है जो आप ये बाजू टर्न करने से देख सकते हैं। यहाँ पे स्नो मोड चेंज हो गया, मोड चेंज हो गया। राइट, अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये स्पोर्ट्स मोड आ गया। राइट, ये स्नो मोड आ गया। हाँ, और ये बटन दबाने से ऑटो मोड। ऑटो मोड, सो ऑटो मोड मतलब वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। तो बेसिकली काम थोड़ा इजी हो गया हमें कुछ ज्यादा। हाँ, सो वो स्नो मोड में डाल के यहाँ पे एक लॉक बटन है जो आपका फोर व्हील ड्राइव लॉक कर देगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि जब एक पहिया ऐसे उठ जाता है तो आई सी दैट कि वो थोड़ा स्पिन होने से आई थिंक कुछ रोक लेता है। हाँ, सो ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे काम करता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करता है, जब भी वो स्लिप सेंस करता है तो वहाँ पे वो ब्रेक अप्लाई करता है। ओके, मतलब वो पर्टिकुलर व्हील को ब्रेक करता है। वो पर्टिकुलर व्हील को ब्रेक अप्लाई करता है। सो दैट द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर व्हील्स। सो नॉर्मली क्या होता है कि आपका पावर जा रहा है, अगर आपका ये व्हील फ्री घूम रहा है विदाउट ट्रैक्शन, तो यहाँ पे पावर मिलने नहीं वाला, पूरा पावर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यस, राइट। सो अभी यहाँ पे ब्रेक आया तो उसको लगा कि हाँ भाई अभी पावर स्प्लिट हो रहा है इक्वली, तो इसको भी पावर जा रहा है। सो इसके लिए आप आगे निकल सकते हैं। सही है। अभी यहाँ पे तो कंट्रोल है। हाँ, कभी कोई ऐसा एरिया है पत्थर वत्थर आ गया मान लीजिए, काउंटर स्टीयर वो हो गया अपने आप से, बैंक हो गया, स्टीयरिंग बैंक, तो आपका अंदर अंगूठा अंदर है तो आपका अंगूठा हर्ट हो जाएगा। तो ऑफ रोडिंग में हमेशा अंगूठा बाहर रखना है। रखना है जब भी आप सीट एडजस्ट करें तो एकदम सीधा हाथ नहीं रखना है, लूज रखना चाहिए। हाँ, ये इतना डिस्टेंस रहना चाहिए। पहला वाला टेस्ट जो यहाँ पे गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है। हाँ, वो यहाँ पे हम देखेंगे। हाँ, कि गाड़ी कितनी स्टेबल है। ओके, ये थोड़ा बेसिक से चालू करते हैं। हाँ, अरे बाप रे, पूरा टिल्ट हो गया। ये गाड़ी उल्टे का तो नहीं ना भाई, एंगल देख लो, सच में लग रहा है वो पूरा करीब है। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी का मोनोकॉक बॉडी है। हाँ, तो आपका गाड़ी बॉडी फ्लेक्स जरा भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। सही बात। दिस इज ऑल ग्रिप। और यहाँ पे हिल डिस्क कंट्रोल भी है। अच्छा, सो जब नीचे गया थोड़ा सा वो ब्रेक लगा के गया और अपने आप वो ब्रेक कंट्रोल स्पीड पे जाता है। हाँ, अब यहाँ पे जो है आपका जो भी क्रॉस एक्सल जो है, राइट, वो अगर पावर नहीं है और ट्रैक्शन नहीं है उसमें, राइट, तो आप अटक जाते हैं। अटक जाएंगे। पहले होता था डिफरेंशियल लॉक, राइट, वो मैकेनिकल पार्ट है। हाँ, वो थोड़ा सा पुराना वाला, पुराना वाला, और अभी ये नया खुद को दिमाग लगाना ज्यादा जरूरत है। अभी ये ठीक है, व्हील को भी थोड़ा सा कुछ जा रहा है झटका, मतलब पावर जा रहा है। तो जब भी आपको थोड़ा झटके जैसा लगता है वो वहाँ पे वो ब्रेक लगा रहा है। अच्छा, ओके, मतलब वो व्हील को रोक रहा है। हाँ, अभी जो गाड़ी है यहाँ से जाएगी, तो लेट्स टेक सम शॉट्स, देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस आता है गाड़ी का। लुक एट द इंक्लाइंड एंगल, जब इस वाले गड्ढे में जाएगी ना पूरा उधर से टायर उड़ जाता है।
जब भी कभी थोड़ा सा फंस जाए ना गाड़ी तो पीछे रिवर्स लेके निकाल सकते हो आराम से। वाह, नाउ देयर इज अनदर हर्डल जो कि अपने को मैक्सिमम टाइम लद्दाख में मिलेगा, तो दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब ऑल टाइप ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो हम लोगों को मतलब ऑफ रोडिंग के टाइम पे मिल सकता है बेसिकली वो दिया हुआ है। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। दिस ब्यूटिफुल लुकिंग LED लाइट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कैसा आता है। Oh, look at that man, मतलब कितना इंक्लाइंड एंगल है एंड बेसिकली पूरी गाड़ी टेढ़ी हो चुकी है तब भी गिर नहीं रही है। मतलब इस साइड में जनरली अंदर में बैठ के जैसे उधर वाले ट्रैक में ना लगा था कि एक साइड पलट जाएगी। दिस इज वेरी स्टेबल कार यार, मतलब अच्छी चीज़ें आ रही हैं आजकल मार्केट में, पैसा खर्चो तो फीचर भी अच्छे खासे मिलते हैं। एंड अभी यहाँ से जब नीचे भी उतरती है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होते हैं जिससे कि गाड़ी का ग्रिप बना रहा है। एंड हियर वी गो, नाइस। एंड दिस टेल लाइट्स आर लुकिंग वेरी नाइस, तो बहुत स्लीक सा डिजाइन दिया हुआ है। व्हील स्पिन देखेंगे अभी। टू व्हील ड्राइव गाड़ी अभी रहेगा ना, तो वहाँ पे नहीं निकल, वो तो निकल नहीं पाएगा कैसे भी। वो पहला वाला मैंने घूमता रहेगा एक व्हील। नहीं एक्चुअली मतलब काफी सही सही फीचर्स दिए हैं। इसका ऑन रोड कितना पड़ता है यहाँ प्राइस? एक शोरूम स्टार्ट होते दो वेरिएंट है ग्रिप के, एक ड्यूअल टोन में है और एक रेगुलर है। सो ड्यूअल टोन करीबन कुछ 1688 का है। ओके, और कंपैरेटिवली काफी अच्छा प्राइस है। सस्पेंशन टेस्ट, हाँ वाह, इसमें क्या ग्राउंड क्लियरेंस रहने से ना पूरा लगेज वो टच करेगा क्योंकि बार बार आ रहा है ना ऐसे। करेक्ट, एक खत्म होने से पहले दूसरा आ जा रहा है तो मेरे बैठने के बाद तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे बैठने के बाद में ग्राउंड क्लीयरेंस कम हुआ होगा और ज्यादा कम हो गया होगा वजन की वजह से। बहुत सही है। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर्स आर इन ग्रैंड विटारा एंड लुक एट दिस फैब्रिक, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है यार। मतलब इसका कंफर्टेबल कुशनिंग एंड जो ग्रिपिंग दी हुई है ना जब बैठने के टाइम पे जो काम आती है बेसिकली वो काफ़ी अच्छा है। बाकी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, कंसोल यहाँ पे है एंड दिस इज द पुशन स्टार्ट बटन। बाकी आप लोगों को क्वालिटी दिख ही रहा है कैसा है। एंड इट कम्स विद अ पैनोरामिक सनरूफ, बेसिकली ये वाला पूरा ओपन हो जाता है। आई विल शो यू द बूट स्पेस।
वो बहुत स्पेस है यार। सी दिस, एंड यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आप लोगों, यहाँ पे इधर प्रोजेक्टर लैंप्स आ जाता है, ये वाली एलईडीज हैं, एंड ग्रिल भी आगे से लुक दोनों ही काफ़ी स्टाइलिश है। लुक एट दैट यार, मतलब क्या स्मूथली निकली है गाड़ी, लग ही नहीं रहा है जैसे कि इतना हाइट पकड़ के देन उसके बाद में नीचे आई है।